मानमते पंजाबियों की कचहरी के प्रोग्राम मुद्दा लैके हाज़र हैं दोस्तों। तुहाडे नाल जिवें असीं कल गल कीती सी कि कल नूं किसी वक्रे विषय के उत्ते असीं प्रोग्राम लैके तुहाडी कचहरी के हाज़र होवांगे। कई बारी समय की नज़ाकत दे नाल और कुछ कारणा करके प्रोग्रामां दे विच तब्दीलियां करनियां पैंदियां ने, क्योंकि तुसीं अज मुद्दा प्रोग्राम दा रंग रूप ते ढंग जिहड़ा थोड़ा जिहा आम प्रोग्राम नालों थोड़े वक्रे रूप दे विच देख रहे हैं, क्योंकि कल जदों असी अपना प्रोग्राम शुरू कीता सी कल दे विषय तो पहला एक अपील सी सदा गुरचरणजीत सिंह लांबा जी होरां दी, जिन्हां ने तुहानूं अपील कीती पिछले दिनां दे विच होए प्रोग्राम दे संबंध दे विच एक स्पष्टीकरण दी गल जिहड़ी लैण दी गल होई। उस तो बाद असी कल तुहानूं दस्सिआ कि कुछ साडे बड़े सन्मानयोग सज्जन साडे स्टूडियो दे विच भी आए, उस सबजैक्ट दे उत्ते उन्होंने भी साडे नाल बड़ी सार्थक गल कीती और उन्होंने इको ही उस डिस्कशन दे विचों गल निकली सी कि जिहड़े शब्द क्लिपिंग दे राही टैलीविज़न दे उत्ते दिखाले गए सन, जिन्हां शब्दां दे संबंधी सा गुरचरणजीत लांबा जी होरां ने गल कीती सी कि प्रोफैसर दर्शन सिंह जी होरां ने कीर्तन के दौरान जिहड़े शब्द वरते सन कि दसम ग्रंथ दे विच लिखिया होया है कि गुरु गोबिंद सिंह जी जिहड़े ने वो वेसवा दे डेरे दे उत्ते गए ते उस जगह दे उत्ते वो संपूर्ण कहानी जिहड़ी एक कीर्तन दे दौरान जिस दी व्याख्या कीती गई कि गुरु जी नूं उस वेसवा ने अपने नाल सरीरक संबंध कायम करन वास्ते कहा ते गुरु जी दुबदा दे विच पै गए कि जेकर मैं इस दे नाल सरीरक संबंध ना कायम करां तो ये मैनूं बदनाम कहेगी, चोर चोर कहेगी, तो जेकर करदा हाँ तो जो इन्हां संबंधां दे विचों उपज होएगी वो भड़ुआ अखवाएगी। सो सिर्फ इन्हां लाइनां दे उत्ते ये गल होई सी कि की ये सचमुच ही दसम ग्रंथ दे विच लिखे होए ने, जेकर लिखे हुए हैं तो प्रोफैसर साहब जिहड़े ने वो अपना स्पष्टीकरण दे देन कि वो इस सफ़े दे उत्ते लिखे हुए ने और जेकर नहीं लिखे हुए तो वो उन्होंने क्यों बोले। साडा इत्थे मकसद दसम ग्रंथ के किसी भी हिस्से नूं जां दसम ग्रंथ नूं टच करना नहीं। साडा अज दे प्रोग्राम का मकसद जिहड़ा सी वो सिर्फ तो सिर्फ ये सी प्रोफैसर साहब का जिहड़ा एक सार्थक स्पष्टीकरण। सो कल दी डिस्कशन दे विचों बड़े सत्कारयोग साडे दोस्त ने सरदार राजिंदर सिंह जिन्हां दी अगवाई दे विच कल वो इत्थे पहुंचे सन, उन्होंने साडे प्रबंधकी कमेटी दे नाल साडे प्रधान दे नाल 10:45 दे उत्ते टैलीफोन दे उत्ते गलबात कीती कि प्रोफैसर साहब अगले हफ्ते की बजाय अज ही ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਇਸ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰੁਝੇਵਾਂ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦੇਣ वास्ते संगत के रूबरू होने वास्ते क्या सी। और जिथे मैं साडे पैनल दे विच बैठे गुरचरणजीत लांबा जी उन्होंने सरदार गुरचरणजीत सिंह जी लांबा जी मुख संपादक संत सिपाही उन्होंने जी आया कहना, उत्थे सरदार रविंद्र सिंह भंवरा जी उन्होंने मैं जी आया कहना। सो दोनों सिख विद्वान साडे नाल ने और तीसरे साडे नाल लाइन के उत्ते प्रोफैसर दर्शन सिंह जी ने, क्योंकि इस गल दी इंडियन एप्लस दे विच प्रोफैसर दर्शन सिंह जी होरां दे नाल शेरे पंजाब के मुख संपादक बलदीप गरेवाल वालों की इंटरव्यू दियां कुछ सतरां उन्होंने अखबार दे विच छापियां, जिन्हां दे विच सी कि जथेदार प्रोफैसर दर्शन सिंह जी का इस संबंधी जवाब सी कि उन्होंने इहो ही शब्द कीर्तन समय वरते सन अते उन्होंने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का नाम भी लिया सी। उन्होंने होर कहा कि वो ये साबत भी कर देणगे कि दसम ग्रंथ विच ये कहानी इंज ही लिखी हुई है। सो साडा अज दे इस प्रोग्राम दा मकसद जिहड़ा है वो दसम ग्रंथ के किसी भी हिस्से नूं टच करना नहीं, सिर्फ तो सिर्फ प्रोफैसर साहब होरां वालों वरतियां कीर्तन के दौरान उक्त सत्रां दी विस्तारपूर्वक उन्हां दे कोलों जानकारी जां स्पष्टीकरण लेना है। सो साडे नाल लाइन दे उत्ते ने प्रोफैसर दर्शन सिंह जी जिहड़े जिन्हां नूं तुसीं भलीभांत सारे जाणदे हो कि वह कीर्तन करते हैं और अकाल तख्त साहब के सबका जथेदार रहे हैं। सब तो पहला प्रोफैसर साहब मैं फतेह बुलाना, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। पर साहब तुहानू जी आया कहने हैं कि तुसी आज पूरी संगत दे रूबरू होए। असी ते पहला भी चाहते सी कि पिछले समय दे विच भी तुसी आओ, असी ये चाहते सी कि तुसी निजी तौर दे उत्ते स्टूडियो दे विच भी आओ, पर तुहाडे कोल समय दी घाट होण करके तुसी नहीं आ पाए। टेलीफोन पे हां जी जरूरी तो प्रोग्राम पहले बने होण करके नहीं आ सके। मैं तुहाडा निवेदन करदा कि मैं हमेशा हाजिर हाँ और इस पक्षों जो मन टेलीविजन के होन निवृत्त करने चाह रहा को आवागा खुल के बचन बिलास कुछ सवाल के जवाब थोड़े भी देंगा, कुछ सवालों के जवाब उन्होंने को भी मंगागा। जी 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 सो पर साहब आप सिर्फ अकाल तख्त साहब जिहड़ा कि साडे सिखां दी सर्व उच्च स्थान है उस दी मान मर्यादा दे अंदर रह के उस दे तहत रह के उस दे हुक्मां अनुसार दसम ग्रंथ के किसी भी होर हिस्से नूं ना छूंदे होए सिर्फ तो सिर्फ असी उस गल दे उत्ते आउने आ कि जिहड़े कीर्तन दौरान रॉचेस्टर ते इंडियनएपलस दे विच तुसी ओह अल्फाज वरते कि इह कहानी दसम ग्रंथ दे विच है। तुसी की कहना चाहोगे समुची साध संगत नूं? बिल्कुल मैं साफ कहना चाहना कि एक कहानी जिहड़ी है कोई भी सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने बदनाम करन दा मुख विशा बनाया होया है। इस विचित्र नाटक दे ग्रंथ कुछ लोगों ने ते नाम रखते हैं कि अखर अखर गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी की रचना है। ये उन्होंने के लफज ने जी। मैं साड़ी तो भी ये दाग पाना चाहते हैं। ये उन्होंने के लफज ने कि अखर अखर श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी की रचना है। प्रोफेसर मैं एक हाथ जोड़ के बेनती की सी कि प्लीज दसम ग्रंथ की किसी भी होर चीज़ नूं जां दसम ग्रंथ के विस्तार नूं जां दसम ग्रंथ की परिभाषा नूं ਆਪਾਂ ਟੱਚ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੀਏ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਐਸੇ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਦੇ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਦੇ ਤੇ ਮਹਾਨ ਆਚਰਨ ਬਲਵਾਨ ਆਚਰਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ सोच सकते हैं जो इस ग्रंथ विच लिखिया गई ने। मैं उस दिन कईयां ने मैं हुण उधर तुहाडा प्रोफेसर वो जड़ियां सत्रां जड़ियां मतलब एक अंकित होईयां सत्रां जड़ियां ने वो ओदे विच जड़ियां कोट कीतियां गईयां जड़ियां लोकां ने भी सुनिया कि गुरु गोबिंद सिंह जी बेसवा दे डेरे दे उत्ते गए और गुरु गोबिंद सिंह जी होरां नूं बेसवा ने सरीरक संबंध बनाउण वास्ते कहा। गुरु जी चोला ते अपने जिहड़े जोड़ा है उत्थे ही छड्ड के बाहर दौड़े। उन्होंने ये सोचा कि जे मैं ये संबंध बनावांगा तो इस इन्हां संबंधां दे विचों भड़ुआ पैदा होएगा, जे नहीं बनावांगा तो बदनाम होवांगा। बाहर लोकां ने गुरु गोबिंद सिंह जी दी दाढ़ी फड़ी और किसी ने पग लाई और जो कुछ उस ओने थां दे विच की ये दसम ग्रंथ दे विच ये सतरां उकत ने जे ये मतलब लोग सुनाना चाहना। एक मिनट जी वही सुनाना चाहना जी। गुरु गोबिंद सिंह साहब वेशवा दे गए या जेड़े ए लफ्ज़ नहीं भी मैं तो उन्हें सुनाना जी। अच्छा ये दे एक ये कि गुरु गोबिंद सिंह साहब जदों जांदे ने जी उदों बकायदा इत्थे एक लफ्ज़ ने कि भगवती दी आराधना करते करते वेसवा दे घर वाल जाते कि दोबारा दोबारा कहना जी उसे लफज ने भगवती दी जी देवी दी दा सिमरन करते करते जाते ने जी। चलियो चलियो धार अतीत को भेस रही मनापन बिखे भी भगवती मनाई। चलियो यो तरा तो तत्ता से फिरने ना है फेरे जी। नाल नाल पर मैनू ये दस देना कि क्योंकि साडे कोल भी दसम ग्रंथ जिहड़ा है उसकी कापी इत्थे शिशोभत है मेरे कोल स्टूडियो दे विच 20वें चरित्र दा हिस्सा है 21वें चरित्र दा जी। जिथे लफज ने अगे उन्हां वास्तों नाल नाल दस देना जिहड़े अर्थ भी कीते होए ने डॉक्टर जोत सिंह दे नहीं ये डॉक्टर जोत जय राजा भगवती तपस्वी का भेष बनाकर मन में भगवती की दा सिमरन करता हुआ चला यह तपस्वी यह चलता ही चला गया और इस प्रकार बिना मुड़े यह स्त्री के निवास में आ पहुंचा। पर सब ये जरा पढ़ुआ शब्द है ते वेसवा शब्द है, ये ओरिजिनल दसम ग्रंथ दे विच उकरिया होया किते? मैंने एक मिनट बिल्कुल सुन लो ना जी, सुन लो जो लफ्ज ने उन्होंने मैं स्पष्ट करना चाहना जी, क्योंकि वेसवा दे नजायज संबंधां नाल जिहड़ी संतान भी हुंदी है जी, जे पुत्र हुंदा है तां ओ उहनां दी उस भाषा विच पढ़वा आखदे ने जी जी, धी हुंदी है ते उह तों काम बस वखरे वखरे ने जी, जिहड़ी धी हुंदी है ओ वेसवा बन जांदी है, वेसवा दे कर जांदी है, पर साहब पुत्र हुंदा एक मिनट सुन लो ना, वही गल कंप्लीट होंदे हो जी, जिहड़ा जे पुत्र हुंदा है तां ओ फिर वेसवा तां बन नहीं सकदा, फिर ओ वेसवावां दा दलाल जिहनूं पढ़वा आखदे ने ओ बनदा है, ਉਹ ਉਸ ਗਲਤ ਔਰਤ ਦਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਔਰਤ ਵੇਸਵਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਂਡ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਆਮ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਂਡ ਹੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਵੀ ਨਿਰਾ ਭਾਂਡ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਭੜੂਏ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਵੇਸਵਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ओरिजिनल ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ, ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਵੇਸਵਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਾਂ ਪੜੂਏ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਰੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ, पर मसला इस गल दा वी जेड़ी गल एक्सप्लेन हुई है, जेड़ी गल मतलब कही गई है वो ओरिजिनल दसम ग्रंथ दे विच है, जां तुसीं इह कहने कि भाई जोध सिंह वालों कीते होए हिंदी दे विच अनुवाद दे विच है। ओरिजिनल दसम ग्रंथ विच है, मैं तुहानूं लफ्ज़ सुणाना अगे लिखदा, पूत होए तां भांड पाए, सुता तो बेसवा होए, भोग करे भाजत धर्म, भजे बधावत सोए जी। कहो सुनो तुम बात प्यारी, फिर गुरु गोबिंद सिंह साहब जिवें ये कहंदे ने कि उन्हां दी रचना है, हांजी तां मैनूं इह लफ्ज़ वरतने पै रहे ने बार-बार, बल्कि मैं तां इस गल नूं महसूस करना कि गुरु दसम पातशाह जी दे नाल इह गल्लां नहीं जोड़नियां चाहीदियां। साडी बदकिस्मती कि इह लोक खड़े हो गए जिन्हां ने इस दसम ग्रंथ दी इन्हां गल्लां नूं गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दे नाल जोड़िया ते सानूं उवें सुणाणियां पईयां। हांजी भाई साहब देखो, मैं इह गल कहना कि सिर्फ ते सिर्फ वो जिहड़ी गल उत्थे कही गई है असीं उस गल नूं ही धुरा मनणा, असीं दसम ग्रंथ दे होर किसी भी हिस्से की गल नहीं करनी कि गुरु ग्रंथ साहब गुरु गोबिंद सिंह जी जिहड़े ने वो वेसवा दे डेरे ते गए, कि ओरिजिनल दसम ग्रंथ दे विच वेसवा दा जिक्र है और किन्नवे पन्ने ते है। और मैं ये गल करनी चाहांगा कि बड़े सत्कार ते अदब दे नाल तुसी सारियां शख्सियतां नूं मैं कुछ तुसी अल्फाज जिहड़े है इस गल दे उत्ते मैं कहांगा कि गुरचरणजीत सिंह लांबा होरां दे नाल तुसी अपना संवाद करो। मैं माइक सा गुरचरणजीत सिंह लांबा होरां वालों कर रहा है, फतेह सांझी करके उस तो बाद इस गल दी क्लैरिफिकेशन करो जी। प्रोफेसर साहब वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। प्रोफेसर साहब श्री दसम ग्रंथ साहिब दी सैंची मेरे कोल भी पई है और ये चरित्रोपाख्यान दा जिहड़ा तुसीं 21, 22, 23 चरित्र दा जिक्र कर रहे हो, साहित्य दे समझण वालियां नूं मुढ़ली चीज़ दी जानकारी हुंदी है। पाख्यान दा अर्थ हुंदा है पहले कही जा चुकी कहानी, और ये जिहड़ी कहानी मंत्री भूपत संवाद दे विच है, मंत्री ने राजे नूं कहानी सुनाई जिहड़ी एक साहित्यक रचना है। इस तो पहला भी जिहड़े कौम दे मैनूं बोल लैण दिओ, उहदे बाद आप जो कहोगे मैं तुहाडी सारी गल सुणांगा। कहानी शुरू करोगे मैं पिछली करांगा, उन्हां ने मैनूं रोकिया कि उन्हीं गल करो मैनूं। हांजी दस भूप देखो, मैं तुहाडे नाल हर कदम ते बैठ के आमो सामना तुहाडे ते सवाल कर भी करन लई भी तैयार हां। बिल्कुल बिल्कुल अज दा प्रोफेसर साहब जिहड़ा विषय है 21, 22, 23 मेरी निजी नहीं, गुरु गोबिंद सिंह साहब दी रचना किवें होई? नहीं मैं नहीं कह रहा, मैं आपां किसी गल ते होर नहीं कर रहे, इस दे करतत्व ते। प्रोफेसर साहब मेरी गल सुनो, मेरी गल सुन लो। जिस किताब दे विच, जिस ग्रंथ दे विच, जिस भी जगह दे उत्ते, जिस मूँह दे विचों ये लफज निकले कि गुरु गोबिंद सिंह किसी वेशवा दे डेरे ते गए, गुरु गोबिंद सिंह साहब तां सारी रात जाग के भाई जोगा सिंह दे बिरदमाणे दी लाज रखण लई वेशवा दे बाहर खड़े रहे, उन्होंने अंदर नहीं वड़न दिता। जेड़े गुरु साहब इतनी दृढ़ता नाल वो हर चीज़ नूं करदे रहे और इस जड़ी कहानी जड़ी मंत्री भूपत संवाद साहित्यक रचना जिसनू पंथ दे महान विद्वान सरदार कपूर सिंह जिन्हां दी विद्वता दे उत्ते किसी ने अज तक उंगल नहीं चुकी उन्होंने भी लिखिया। ये कहानी रिगवेद दे विच है। इसका बीज सूत्र 8वीं सदी की रचना लैला दे विच है। जिहड़े तुसी कोट कर रहे हो जिहड़े जोत सिंह दे वो भी लिख रहे हैं कि ये राय दे भरा नूं फड़ के कुटिया उहदी दाढ़ी पुट्टी। डॉक्टर जिहड़े रतन सिंह जग्गी हैं वो भी कह रहे हैं। मैं एक अपनी गल जरूर कहनी चाहांगा जिस किताब दे विच जिस ग्रंथ दे विच जिस मूँह दे विच ये लिखिया होए गुरु गोबिंद सिंह वेश्या दे गए और उन्होंने कहा पढ़ुआ पैदा होएगा वो मूँह साड़ देने दे योग है। वो जिहड़ी किताब साड़ देने दे योग है। वो सारी चीज़ एकदम एंड मैं उसदे लई पूरी तरह सहमत होवांगा। पर सवाल सिर्फ ये है कि आपने ये कहा दसम ग्रंथ दे विच ये लाइना है गुरु गोबिंद सिंह दी दाढ़ी फड़ी इहदे विच साफ लिखिया है दोहरा आगे पाछे दाहने घेर दसो दिसलीन। वो कहानी दे विच राय ने उस राय दी गल है पैंड भजन को ना रहो राय जतन योकीन। उस राय ने फिर इदा यतन किया वाकी तुसी ग्रंथ रहे हो रागी वाकी उही शब्द है जेड़े के गुरु ग्रंथ साहब दे विच है वाका लड़का मारिया था उसका वाकी करदारी धरी पगिया लई उतार चोर चोर करतरे गयो द्वैक मुतहरी चार लगे मुतहरी के गिरयो भूम मुरछ ना खाए भेद ना काहू नर लियो मुस्के लई चढ़ाए लात मुष्ट बाजन लगी सिखे पहुँचे आए भ्रात भ्रात त्रिय कर रही कऊ न सक्यो छुराए जूती बहुत मूंड लगाई मुस्के ताकि ऐंठ चढ़ाई बंद साल ते दिया पठाई आन आपनी सेज। एक मिनट वैर साहब जिहड़ी गल तुहाडी मैं दस रहा इहदे विच लिख रहा है वो राय ने उस औरत दे भरा नूं फड़ के दो डंडे ला के उन्होंने जुत्तियां मारियां और उसनों कुटिया और पब्लिक ने उन्होंने करके कुट दिता और राजा इस तरीके दे नाल उसनों बंदी खाने भिजवा के ते आप वो वापस आ गया और उसने उसदे भरा नूं जेल च भिजवाया। किहड़े ग्रंथ च लिखिया कि गुरु साहब नूं जुत्तियां मारियां और जिहड़ी तुसीं अपनी दाढ़ी पकड़ के घुमाई सी उत्थे और लिखिया कि गुरु गोबिंद सिंह दी दाढ़ी फड़ के घुमाई गई और जुत्तियां दी वरतों की गई। तुसीं अगर ये जवाब तुहानूं देना चाहिए और देना पएगा इस पंथ नूं कि ये लाइनां दसम ग्रंथ दे कित्थे लिखियां सारे दसम ग्रंथ के टीकियां च है। तुहाडे जिहदा रैफरेंस दे रहे हो डॉक्टर जोत सिंह वो भी कह रहे हैं कि उसदे औरत दे भरा नूं कुटिया ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਲਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਫੜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਕ ਦੱਸੋ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਲਾਂਬਾ ਜੀ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਲਾਂਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। तुसी बोलो जी दसो। हाँ जी असी बिल्कुल नहीं बोलांगे जो तुसी बोलोगे असी तुहानू सुणांगे। मैं ये गल कहना कि शांति दे नाल तुसी सारे विद्वान हो लांबा जी तुहानू सुन तुसी लांबा जी नू सुनो तर्क दे आधार दे उत्ते जिहड़ी एक ओ लाइन कोड होई है उस दी क्लैरिफिकेशन दईए। जेकर वो अपने कोलों आपां गल कीती है जां एक कहानी दे रूप दे विच मतलब रीटोल्ड स्टोरी दसी है तो आपां तां वी उहनू क्लीयर करिए क्योंकि असी किसी भी गल नू टच नहीं करना चाहुंदे किसी विवाद नू संवाद नू विवाद नहीं बनाउणा चाहुंदे। सो की कहना चाहोगे तुसीं? पहला तां इह कि इन्हां ने हुणे लफज वरते ने जी इस गल ते फिट रहन कि आप कहंदे जाओ असीं भी इहो चाहने आ कि जिस ग्रंथ जिस जबान तो इस किस्म दियां गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दे नाल संबंधित लफज जां उन्हां दे दसम पातशाह जी दी कहानियां नाल उन्हां दी रचना कह के कुछ लिखिया होया इस ग्रंथ नूं पाठ देना चाहिए इस जबान नूं पाठ देना चाहिए। इन्हां दे लफज ने बिल्कुल बिल्कुल मैं बिल्कुल सही गल है। हां जी अच्छा बाकी हुण रह गई है भी तुसी मेरे कोलों बजाए ये तुहाडे कोल ते पहुंचे है तुसी 16वां अध्याय 16वां चरित्र ते 21वां 22वां 23वां पढ़ के संगत विच उत्थे टीवी ते सुना दिओ ते अपने आप ही निर्णय हो जाएगा। ते एक चीज दूजी चीज इन्हां ने लफज देखो असी दसम ग्रंथ दे बारे दे विच जां पूरा चरित्र व्याख्या करन दे विच जां सुणाउण दे विच बिल्कुल विश्वास नहीं रखदे। सानू अकाल तख्त साहब दा हुक्मनामा होवे कि तुसी कर सकदे हो सामने उन्हां ने इन्हां को सुनाया हो तुसी विश्वास रखदे हो नहीं नहीं तुसी दस सकदे हो भी किथे ते की लिखिया होया क्योंकि मतलब दसम ग्रंथ दी सैंची साडे कोल पई है पहला तो एक इन्होंने कहा है ये गुरु गोबिंद सिंह साहब के नाम नाल संबंधित नहीं, राय के संबंध विच है। राइट, हाँ जी, हाँ जी, किसी राय के संबंध विच है जी। उत्थे बड़ा स्पष्ट लफज है कि तीर सद्र के होते पुर आनंद एक गाँव जी, नेत्र कुंभ के वस्त कैलूर को ठाऊं जी, सिख शाखा बहु आकर मेघ बढ़ाए आवत मोद बढ़ाए, मन बांस मुख मांगता बर जात गिरन सुख पाए जी, एक प्रयात्रमंत की तोन नगर में आन, हेर राय पीड़ित भई विधि ग्रह के बाण। एक इनका मतलब की है पर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬੇਸਵਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਔਰ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓਗੇ ਬੋਲਣ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਬਰੀਫਲੀ ਇਦਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ सरदार कपूर सिंह जिन्ने भी ग्रंथकार हैं जदों उदी गल कर रहे हैं, मैं ओरिजिनल दी कर रहा कि एक साहित्यिक रचना है जिथे गुरु साहब ने अपने बारे लिखना है। वह हमेशा लिखते अब मैं अपनी कथा बखानो मुरपित पूर्व कीस पयाना तात मात मोरल खरादा, जिथे वह साहित्य की रचना करते उत्थे मंत्री भूपत संवाद है। मंत्री ने जे तुहाडी अगर ये गल मान ली जाइए फिर 15वें चरित्र दे विच कीरतपुर का जिक्र है तो की उत्थे दा जिहड़ा चरित्र है वह गुरु हरगोबिंद साहब का, एक चरित्र होर है जिहदे विच रामदासपुर है कि इस तरीके नाल जिहड़ी यूसुफ जुलैखा की कहानी है कि असी उसनूं मुहम्मद साहब का मान लईए कि जिहड़ी जोसेफ की कहानी ये एक साहित्यिक रचना थर्ड परसन विच है तुसी और थर्ड परसन तुसी इहनूं गुरु गोबिंद सिंह साहब का जीवन चरित्र कह रहे हो। किसी होर इतिहासकार ने मैं तुहाडे कोल पुछना चाहता नहीं मैं वही तो कह रहा फिर ओदा रामदासपुर दा केड़ा है इत्थे साहित्य नूं हुणे इत्थे फिफ्थ हॉर्समैन एक किताब निकली है जिहदे विच उन्होंने अमरीकन प्रेजिडेंट का नाम दिता है साहित्य दी। तुसी अपने देखो प्रोफैसर साहब तुसी खिच तू के उन्होंने जो मर्जी ले जाओ जिहड़ी किसी होर इतिहासकार ने किसी सियाणे बंदे ने किसी ने भी कदी इसनूं गुरु गोबिंद सिंह साहब का चरित्र नहीं किया। ये पहली बार आप जी के मुखारबिन तो आ रहा है कि ये गुरु गोबिंद सिंह साहब का चरित्र है और इस चरित्र दे विच भी नहीं चरित्र ए तुहाडा चरित्र जिन्होंने नहीं मेरा ए नहीं किसी दा चरित्र नहीं। प्रोफेसर साहब जेडी तुसी डॉक्टर जोध साहब दे हक विच ही नहीं कि गुरु गोबिंद सिंह साहब दा चरित्र है नहीं असि भी इस हक दे विच नहीं असि किहड़े हक दे विच है इस गल दे विच। प्रोफेसर साहब तुसी ये कह रहे हो कि ये जेडी साहित्यिक रचना है इहदे विच पात्र गुरु गोबिंद सिंह है, ये तुसी कह रहे हो कि पात्र है किसी भी इतिहासकार ने किसी साखीकार ने नहीं लिखिया। वो कह रहा है उपाख्यान जिहड़ी कहानी पहले कही जा चुकी सरदार कपूर सिंह ने लिखिया 8वीं सदी की कहानी ऋग्वेद की कहानी और जिहड़ी पुरातन साहित्यक परंपरा दे जिहड़ी जिस तरह टुंडे असराजे की गल जिहड़ी गुरु नानक साहब ने की जिस तरह पूरन भगत की गल हुई इस तरीके नाल साहित्यक और इस एक जिहड़ा नूप कौर का चरित्र है इसनूं चरित्र मैंने हुंदा है करैक्टर, चरित्र मैंने हुंदा है करैक्टर और चलित्र हुंदा है करैक्टरलैसनेस पर तुसी अपनी किताब दे विच चलित्र करके एड्रेस कर रहे हो। मैं हैरान इस गल ते दसो मैं चुप हां दस रहे तो सब जापे हम तरी बचन करदा ए कोशिश गुरु गोबिंद सिंह साहब दा क्यों? बिल्कुल इहदे विच इस तरह ही है सरदार कपूर सिंह कहंदे है जिस तरह यूसुफ जुलैखा दी कहानी लिखदियां होयां उस कवि ने वारिस शाह ने और जिहड़े उहदे विच वीर वारिस की कहानी लिखदे आ उसने कुरान दीयां आयतां गुंदियां सरदार कपूर सिंह कहंदे है कि इसे तरीके नाल ये गुरु गोबिंद सिंह साहब का उपदेशात्मक क्योंकि इस चरित्र दे विच केवल ये नहीं बार बार उपदेशात्मक है। वो राय ने किधरे भी नहीं सोचा मैं नहीं उन्हें कभी भी नहीं सोचा कि मैं ये काम करां वो बार बार एक चीज सोचता रहा कि मैं इस खलजवाल चो प्रोफेसर साहब वो ये सोचता रहा मैं इस मुसीबत चो किदां निकलां। नहीं वो राय कर रहे हैं कोई जंग गुरु गोबिंद सिंह कर रहे हैं मैंने तुसीं दसो भी सब जाते हम परिवर्तन मैं दस रहा प्रोफेसर साहब वही दस रहा तुहानूं वही दस रहा कि उस कहानी दे विच सारे चरित्र उपदेश गुरु गोबिंद सिंह साहब दा नहीं फिर मैं वही कह रहा जिहड़ी गल है पूरे चरित्र पूरी कहानी विच राय सारी सोच उहदी है कि मैं इस मुसीबत चो किदां निकलां। उन्होंने इंद्र का चंद्र का, विष्णु का, कौरवां का और सारियां दे हवाले दिंदा है। और वो औरत कहती है कि ये जड़ा है कृष्ण की गल क्यों नहीं करता जिन्हें भोग किया। एक धनी औरत नूं तुसी वेश्वा लिख रहे हो, एक जिहदे किधरे राजे ने कभी सोचिया नहीं कि मैं किस तरह संबंध करा। तुसी कह रहे हो सोचण लग पिया कि मैं पड़ुआ पैदा होएगा, जिहड़ी है ही नहीं। लांबा जी कोना हां जी पास साहब देखो तुसी इस चीज़ नूं बड़ी शांति दे नाल क्लीयर करो। राइट लांबा जी मैं तो भी गुजारिश करांगा कि दसम ग्रंथ दी आसा पासा टच ना करो कोई भी। हाँ जी हाँ जी नहीं नहीं तुसी करो जी जिहड़ी गल असीं कहने भी तुसी करो, मतलब इस विषय दे उत्ते सब गल तां है। वेशवा लफज जिहड़ा है वो है 16वें अपने अध्याय विच जी 74 विच उत्थे लफज ने बकायदा कि वो वेशवा उत्थे आई है। रामजनी लफज है, रामजनी वेशवा लई वरतिया जांदा है। उत्थे आई है उहने आप वल्लों मिलण दी कोशिश कीती है, नहीं मिले तां उहने फिर अपना पेश बनाया जोगियां वाला जी। ये सारा बेशक पर उत्थे भी गुरु गोबिंद सिंह साहिब रात नूं भगती दी सिमरन करते जांदे ने। डॉक्टर जोत सिंह होरां ने एक दस्तावेज अपने वालों भेजा है कि जिहड़े इस गल का जिक्र होया है, जिहड़ी कहानी का तुसीं जिक्र कीता है वो मेरी किताब दे विच किते भी नहीं है। मेरी हिंदी की अनुवादित टीके दे विच भी वेसवा ते भड़ूए का नहीं है। असी तुहानू फारवर्ड भी करांगे। असी साडे दोस्त इत्थे परम दोस्त ने तुहाडे बड़े हतैशी ने, उन्हां नू भी कापी जरूर देवांगे। बकायदा तौर दे उत्ते उन्हां ने ये मतलब सारी गल जिहड़ी आ वो क्लीयर करके लिख के भेजी है भी ना तो उत्थे किसी वेसवा का जिक्र है, ना उत्थे किसी भड़ूए का जिक्र है, ते ना ही उस किताब दे विच उस अध्याय दे विच नूब कौर। हाँ जी भांड का अर्थ भड़ूआ है। जो कोई व्याख्या करता है उदो कोई जरूरी नहीं होंगे ओहो ही लफज वरता, उनके अर्थ भी वरतता है। इन्हें अर्थ क्यों किए ने डॉक्टर जोत सिंह ने, बाकी जो रतन सिंह जग्गी ने क्यों किए ने? प्रोफेसर साहब ये 16वें चरित्र की दस रहे हो कि ये नूप कौर की दस रहे हो, कि ये दोनों मिक्स कर रहे हो तुसी? जिंदे च वेसवा लफज है, वेसवा दा जेड़ा लफज गोबिंद सिंह सोचण लगे कि मेरे रिलेशनशिप तो भड़ुआ पैदा होएगा, मैं ओदी पग ला दिती। ये हुण पग 16वें चरित्र च है कि 21वें च है? दोनों मिला के कर रहे हो तुसी। लांबा जी तुसी नूप कौर दी गल करो जी, इत्थे तां इदां दा आम लोकां दे विच बवादा विवाद जिहड़ी गल है वो नहीं पैना चाहिदा। नूप कौर दी 21वें चरित्र दी गल करो, जिहदी ये कहानी सी, जिहदियां ये लाइनां जिहड़ियां सी तुसी कोड कीतियां, जिहड़ियां लाइनां दे उत्ते अज गल हो रही है। अनूप मैं तां फिर अनूप कौर दा नाम नहीं लिया। हाँ जी मैं तो उदाहरण एग्जांपल दित्तियां ने बेस ग्रंथ विच इहो जिहियां चीज़ां नहीं देखो जिस कहानी दा जिस चरित्र दी तुसीं गल कीती है, जे उस चीज़ दी व्याख्या तुसीं अपने तौर दे उत्ते कीती है फिर आपां नूं इह गल कहण दे विच की हर्ज है कि यह मेरी अपनी अपने तौर दे उत्ते कीती होई व्याख्या है, ना कि दसम ग्रंथ दे विच लिखिया होया। दसम ग्रंथ विच लिखी दी व्याख्या है। हां जी पन्ना दसो। दसम ग्रंथ विच लिखी दी व्याख्या पन्ना पन्ना दसो जी। जिथे दाढ़ी फड़ी है और जिथे वेश्या जिथे पढ़ुआ दस दो इहदा पन्ना तुसीं कड्डो। जिथे दाढ़ी फड़ी लिखो, किहदी दाढ़ी फड़ी दसो, किहदी दाढ़ी फड़ी दस दियो, मैं हुणे खोल लेना पन्ना। एक मिनट दाढ़ी फड़ी किहदी दाढ़ी फड़ी राय भी पता ही है ना, राय स्पष्ट होता है अनंतपुर तो राय कोई हो रहा ही नहीं। कोई गल नहीं चलो तुसीं दसो किहदी दाढ़ी फड़ी। उहदे लिखिया है उस औरत दे भरा दी दाढ़ी फड़ के उहनूं कुट्टिया, उहनूं जेल भेजता। तुसीं दसो कित्थे हैगा और लिखिया कि इस चरित्र करके राय बाहर आ गया। तुसीं दसो कित्थे है किहदी दाढ़ी फड़ी, उस राय दी दाढ़ी फड़ी के उस औरत दे भरा दी फड़ी? तुसीं दसो जिहड़ा भरा दा लफज है वो अखीर ते है और डॉक्टर जोत सिंह ने भी उत्थे यही लिखिया है। प्रोफेसर राय दी अखीर पैसा बोलने दो, पैसा पहले तुसी बोलो अपनी पूरी संपूर्ण गल करो जी, उस तो बाद जवाब दिता। जोत सिंह दी गल तुसी पूरी पढ़ लो, बेशक उहदे ते लिखिया उहने कि राय दी बात बारी पढ़ी। ਆਪਾਂ ओरिजिनल ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਪੜੀਏ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੇ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਸਾਚੀ ਤੇ 10 ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਉਹਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ कि ये जी तुसी कर रहे हो दे लिखिया है बरात बरात त्रिए कर रही कोऊ न सके छुड़ाए। मैं सिर्फ ये बेनती कर रहा प्रोफेसर मेरी बात सुन लो। प्रोफेसर साहब मेरी एक छोटी जी गुजारिश है हाथ जोड़ के तुहानू तुसी बुजुर्ग हो मेरी गल बेनती है सुन लो। इस जिहड़ी दसम ग्रंथ ओरिजिनल विच ये है कि राय ने छल करके उहदे भरा नूं कुटिया उहदे भरा नूं कुटवाया आप निकल आया और बाद विच उहने कहा भी तुम कुप हम पर चरित बनायो हमहू तुम कह चरित दिखायो। देख तू मेरे ते चरित्र खेडना चाहया मैं चरित्र बना के तैनू दिखा दिता। उहदे विच है ये छल खेल राय भज आयो बंद साल त्रिए भांत बिठायो। ये लिखिया कि यह छल खेड के राय उत्थों निकल आया राय भज आया। सो तुसी कह रहे हो कि अपनी दाढ़ी फड़ के घुमा रहे हो कि उसकी दाढ़ी फड़ी और ये दसो किथे दसम ग्रंथ किथे है गुरु गोबिंद सिंह दाढ़ी फड़ी तो तुसी अपने गुनाह नु छुपाना चाहंदे हो। कौन आए लफज अखीर ते पढ़ी चलो सारे सारे प्रचित्र नु पढ़ो तुहानू पता लगेगा कि राय कौन है। प्रोफेसर साहब जानदा है बकायदा पब्लिक विच ये गल कहंदा अपने सिखा विच ये गल कहंदा कि मेरी रात जिहड़ी हैगी पांदी ते पणियां चोरी हो गई है इहनू भाल के लियाओ सिख लियाउंदे ने दरबार सजदा ये सारा कुछ किसी राय दा हो रहा है आनंदपुर दे राजे दा हो रहा है। वो सारी गल सब जिहड़ी भी हो रही है जिहड़ी उत्थे कुट पई है इस ग्रंथ के मुताबक औरत के भरा नू राय ने कुटवा के और पूरी कहानी च राय ने अपना करैक्टर कायम रखिया। उन्हें केवल ये गल सोची है कि मैं इस मुसीबत चो किद्दां निकलां। उन्हें अपना चरित्र कायम रखिया एक बार भी उन्हें नहीं सोचा पर तुसीं ये कहा कि राय सोचण लग पिया कि मैं इदां होएगा ते की करांगा। डॉक्टर जोत सिंह ने भी वो कह रहे हैं थर्ड परसन पर सब जदों देखो इदां हुंदा है कि जदों ओरिजिनल टैक्सट है तुसी उत्थे लैक्चर जदों भी दिंदे हो तुसी अगों तो फिर ये कहो कि डॉक्टर जोत सिंह ने कहा है तुसी फिर इह ना कहो दसम ग्रंथ च है। जे तो दसम ग्रंथ की गल है साडे कोल पिया तुसी दिखा दिओ ओहदे च किथे है। डॉक्टर जोत सिंह दसम ग्रंथ दे ही अर्थ कर रहे हैं। देखो प्रोफेसर साहब मैं बस एक छोटी जी गल कहांगा। डॉक्टर जोत सिंह ਜਿਹੜੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰੇ ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰ ਜੱਗੀ ਕਰੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਕਰੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੇ ਚਾਹੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਤਲਬ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਟੀਕੇ ਹੋਣਗੇ ਸੈਂਚੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਸੁਣ ਅਸਲੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨੇ तो एक इंटरेस्ट है उनके बड़े स्पष्ट लफ्ज में जी वाटी तलदाड़ी फड़ी। हाँ जी अच्छा इनके पे ऊपर भी जाओ थोड़ी लो। हाँ जी खोलो पन्ना खोलो जी बिल्कुल ठीक है वाकी करदारी लड़ी। हाँ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप बहुत सही पढ़ रहे हो जी। वाकी मैंने हुंदा ओदी एक मिनट सुन के चोर के चोर सुनत जागे सवे भजे ना दीन दीना राय भजे ना दीना राय कदम पांच सातक लगे मिले शताब्दी आए चोर बचन सब ही सुनता आए काले खड़ग राय प्रत आए कूक कहे तो जान न गए हूँ तो ये तस्कर जमताम बचाए हूँ वाकई कर दारी फरी अगे नहीं पिछे छड़ गए हो उनके नाल ते अगले पैसा पैसा पूरा कंप्लीट करियो अगली लाइन भी ओदे नाल ओनु जोड़ो पूरा देखो एदे च पैरा चेंज हुंदा है होना आगे ना एक मिनट जिंदी गल ता राय भी चल रही है। प्रोफेसर वही सुनो तो सही ना नहीं ते आगे फड़ लिया बराबर आ गए ते नाल ही आ गया वाकई कर दारी फरी। अरे प्रोफेसर विचो तुसी लाइन प्रोफेसर साहब छड़ के ना पढ़ो जंप ना करो ओदे च लिखया दोहरा आगे पाछे दाहने घेर दसो दिसलीन पैण भजन को ना रहो कोई रस्ता भजन दा ना रहा राय जतन योकीन फिर राय ने यह यतन किया मोदी के घर खाना पाका वाका लड़का मारिया था ते फिर की शिवजी का मुंडा मार दिता। आगे पाछे दाने हाँ जी घेर दसो जसलीन भजन को ना रहो राय जतन यकीन राय ने ये यतन किया वाकई करदारी फरी पगिया लई उतार तो चोर कर तय गयो द्वैत मुतहरी मार लगे मोहतरी के गिरयो हूं मूर्छ ना खाए खेद ना कहूं ना रहो मुस्के लई चढ़ाए लात मुश्त बाजन लगी सिख पहुंचे आए रात प्रात तय कर रहे हो तो ना सके छुड़ाए। बिल्कुल जदों आगे बढ़ो आके प्रात प्रात लफज आए ने आपरा कहंदी रह गई औरत आपरा कहंदी रह गई जी और इसे चीज दे आगे बढ़ो प्रोफेसर साहब आगे बढ़ो ना चुप ही आगे क्योंकि मेरे को तो सारे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੜਨ ਦੀ ਪੜੀ ਪਈ ਨਹੀਂ ਅਗਲੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪੜੋ ਨਾ ਅਗਲੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਪੜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਪਿਆ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਅਗਲੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੂਤੀ ਬਹੁਤ ਹਮੂੰਡ ਲਗਾਈ ਮੁਸਕੇ ਤਾਕੀ ਐਂਠ ਚੜਾਈ ਬੰਦੀ ਸਾਲ ਤੇ ਦਿਆ ਪਠਾਈ ਆਨ ਆਪਣੀ ਸੇਜ ਸੁਹਾਈ ਇਹ ਛਲ ਖੇਲ ਰਾਏ ਭਜ ਆਇਓ ਉਹ ਰਾਏ ਇਹ ਛਲ ਖੇਡ ਕੇ ਦੌੜ ਆਇਆ ਬੰਦ ਸਾਲ ਤੇਰੀ ਅਪਰਾਧ ਪਠਾਇਓ ਬੰਦੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖਿਆਨ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਓ ਵਾਹੀ ਕੋ ਤਸਕਰ ਠਹਿਰਾਇਓ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੁਮ ਕੁਪ ਹਮ ਪਰ ਚਰਿਤ ਬਣਾਇਓ ਹਮਹੂ ਤੁਮ ਕਹਿ ਚਰਿਤ ਲਿਖਾਇਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਰੁਕਿਓ ਅੰਗਿਤ ਛੱਡੋ ਨਾ ਅਗਾ ਬੜੀ ਚਲੋ ਉੱਥੋਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜੀਗਾ ਪੜੋ ਹਾਂਜੀ 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 ਬਸ ਆ ਪੜੋ अच्छा प्रेस साहब जिहड़ी तुसीं दे रहे हो देखो जिहड़ी तुसीं डॉक्टर जोध सिंह दी दे रहे हो बड़ी वधिया दित्ती है हवाला इहदे चो लिख रहे हैं डॉक्टर जोध सिंह लात और मुक्के चलने लगे तथा अन्य शिष्य भी आ पहुंचे वो स्त्री भाई भाई चिल्ला रही थी तो लोगों ने समझा कि उसके भाई ने चोरी की है अतः उसके भाई को पकड़ लिया ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਪੁੱਟੀ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਪੱਗ ਲਾਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਹੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਦਾੜੀ ਫੜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਗਲਤ ਨਾ ਕਰਿਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੇ ਪੂਰੀ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦਾੜੀ ਫੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਣਾਓ ਅੱਗੇ ਪੜੋ ਮੈਂ ਪੜ ਦਿੰਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੁਣਾਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਨਾ ਦੇਖੋ ਆਗੇ ਪਾਛੇ ਦਾਹਨੇ ਘੇਰ ਦਸੋ ਦਿਸਲੀਨ ਪੈਂਡ ਭਜਨ ਕੋ ਨਾ ਰਹਿਓ ਰਾਏ ਯਤਨ ਯੋਕੀਨ ਰਾਏ ਨੇ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵਾਕੀ ਵਾਕੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਰਾਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ मैं कर लेना मैं हुण पढ़ देना वाकी करदारी धरी पगिया लई उतार चोर चोर करते गयो दैक मुतहरी जार लगे मुतहरी के गिरयो भूम मुरछ ना खाए बेद ना काहू नर लहो मुस्के लई चढ़ाए लात मुस्ट बाजन लगी सिख पहुंचे आए भ्रांत भ्रांत त्रिये कर रही कऊ ना सक्यो छुड़ाए कोई ना छुड़ा सकिया ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਚੌਪਈ ਸੁਣ ਲਓ ਪ੍ਰੈਸ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਪੜ ਰਿਹਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੂਤੀ ਮੌਤ ਹੈ ਮੂੰਡ ਲਗਾਈ ਮੁਸਕੇ ਤਾਕੀ ਐਂਠ ਚੜਾਈ ਬੰਦ ਸਾਲ ਤੇ ਦੀਆ ਬਿਠਾਈ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਪੜੋ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਤੇ ਰਿਹਾ ਇਹ ਛਲ ਖੇਲ ਰਾਏ ਭਜ ਆਇਓ ਬੰਦ ਸਾਲ ਤਰੀ ਹੁਣ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 100 ਟੀਕੇ ਹੈ फरीदकोटियां दा है, डॉक्टर जग्गी दा है, उन्होंने तो यह भी कहता है कि पूरा जपजी साहब भी गुरु नानक साहब दा है कि नहीं, डाउटफुल है। उन्हां दा है फरीदकोटियां दा, इन्हां दा स्वामी राम तीरथ दा, विनोबा भावे दा। जदों असीं कोट करना है, असीं दसम ग्रंथ नूं कोट करना है, किसी होर नूं करना है जी। मैं जोत सिंह मैं तो कहना मैं नहीं मनता, मैं किसी नूं नहीं मनता, मैं तो किसी नहीं मनता। प्रोफेसर मेरे को ओरिजिनल दसम ग्रंथ है। प्रोफेसर प्लीज प्रोफेसर तुसी गल करो और तुसी उसकी डिटेल च गल करो, जेड़ी गल है ओदी घट्टो घट क्लैरिफिकेशन दियो। जदों ये लफ्ज जेड़े ने दसम तुसी दे रहे हो, मैं हैरानी इस गल ते हां कि जेड़ी चीज तुहाडा दिल च है ओनी तो तुसी डॉक्टर जोत सिंह दी शनाख्त। मेरा कोई नहीं हैगा, मेरा सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब है, मेरा कोई नहीं हैगा सिवाय गुरु ग्रंथ साहिब दे, मेरा कोई इष्ट नहीं है। पढ़ दो ना राय की पग उतारी गई। देखो ये ना डॉक्टर प्रोफेसर साहब जी जी कितों कितों कह रहे हो? हाँ ये जी वो कह रहे हैं ना जी, एक मिनट ठहरो, इधर अगला वर्का पर सर जी ओरिजिनल हैगा यही जी साखी तुसी दस रहे हो जिहदी ट्रांसलेशन दी कर रहे हो, ये वो दोनों लफज किधरे नहीं है ओरिजिनल दे विच सानू नहीं। जे अगर पगिया लई उतार वक्त तो लाए तो पूरा पूरा जिहड़ा कर रहे हैं ना जी, हाँ जी जिहड़ी वो चीज़ पूरी कर रहे हैं उहदे ते ते यही आ रहा है ना बार बार कि जिहड़ा ओरिजिनल दे विच किधरे नहीं आ रहा। कोई अगर ट्रांसलेशन विच की लिखदा है वही लिख रहा। ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਕਰੋ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਦਿਆ ਲਈ ਉਤਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਤਲਬ ਸਤਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੱਲ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਜੋਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਪੜ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਘ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਾਣੀ हाँ जी। नहीं डॉक्टर जोत सिंह ने की मतलब लिखा, तुसी की कहने डॉक्टर जोत सिंह ने लिखा भी गुरु गोबिंद सिंह जिहड़े ने वो बकायदा तौर पर वेसवा दे डेरे गए, डॉक्टर अपने गुरु गोबिंद सिंह जी की पग लाई है। जोत सिंह एक्सेप्ट ही नहीं करता, वो कहता ना मैं पढ़ूआ ना मैं वेसवा ना गुरु गोबिंद सिंह जी की कहानी राय दे लफ्ज़ सुना दियो मैनूं सारी डॉक्टर जोत सिंह की गल। देखो तो 5-7 वारी इशू वही है कि की गुरु गोबिंद सिंह जी बारे जोत सिंह ने लिखा, की गुरु गोबिंद सिंह है, की गुरु गोबिंद सिंह बारे वो लफज वरते गए जिहड़े आप ने उत्थे सुनाए है। फिर मेरी गल सुनो, जे तुसीं इस गल ते आओगे ना तो मैं फिर पुछना चाहना कि इस विचित्र नाटक में गुरु गोबिंद सिंह साहब दा किते लिखिया है कि मैं सारा लिखिया, तुसीं क्यों ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਹੋ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝੱਠੀ ਝੂਠੀ ਸੱਚੀ ਖਬਰ ਵੀ ਫੈਲਾਈ ਹੋਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਕਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕਲੀ। ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਝੂਠ ਸੱਚ ਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਅਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਸਾਹਿਤਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ, ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮਰਥੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜ ਦਈਏ और अकाल तख्त साहब दे उत्ते दा निर्णय होएगा कि की ए गुरु गोबिंद सिंह साहब दे मैनू कोई इतराज नहीं भेजो। मैं तो कहना बल्कि अकाल तख्त साहब दे जिम्मेवार बार-बार चिट्ठियां लिखियां ने, बार-बार गल कही है इस काम नू अपने मैं तुहाडे कहे ते चिट्ठी तुहाडी ट्रांसलेशन भी पढ़ देना और उन्हां दी चिट्ठी भी पढ़ देना जिहड़ी डॉक्टर जोत सिंह ने जिहड़ी लिखी, वो कहते चिट्ठी भी पढ़ देना, वो भी कर देना, पर किसी दी ट्रांसलेशन ओरिजिनल दा सबस्टिट्यूट नहीं हो सकता। सवाल है जी जो चीज ओह कह रहा है वो चीज तुम अपनी मर्जी के लफज तो वरत रहे हो। हाँ जी उथे नहीं कोट कर रहे। हाँ जी नहीं वही कह रहे हैं ना कि डॉक्टर जोत सिंह भी मैं मुताबिक मैं डॉक्टर जोत सिंह भी पढ़ देना कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी की पढ़ा दसो चोर की बात सुनकर राजा डर कर उठा और जूता भी भूल कर भागने लगा। चोर की पुकार सुनकर सभी जाग गए और लोगों ने राजा को भागने नहीं दिया तथा 5-7 कदम के बाद ही उससे आ मिले। चोर की पुकार सुनकर सभी भागे और उस राजा के खिलाफ तलवारें निकाल ली। वे लोग चिल्लाने लगे कि जाने नहीं देंगे और दिशाओं से उसे घेर लिया। राजा ने यत्न तो किया पर भागने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा। लोगों ने हाथ पकड़कर उसकी दाढ़ी पकड़ ली और उसकी पगड़ी उतार ली आगे और उसे चोर चोर कहकर 2-3 डंडे मारकर पकड़वा लिया। डंडा लगने से राजा धरती पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। लोगों में कोई भी रहस्य को ना समझ सका और उन्होंने राजा के हाथ बांध लिए। लात और मुक्के चलने तथा अन्य शिष्य भी आ पहुंचे। स्त्री भाई भाई चिल्ला रही थी तो लोगों ने समझा कि उसके भाई ने चोरी की, अतः उसके भाई को पकड़ लिया और उसे कोई ना छुड़ा सका। सो गल तो यह हैगी है कि ट्रांसलेशन और राय डॉक्टर साहब कह रहे हैं पढ़ दिया मैं वो सारी पढ़ती वो कह रहे हैं मैं किधरे नहीं कहता गुरु साहब की आत्मकथा है, मैं किधरे नहीं कहता भड़ुआ लफज वरते है, मैं किधरे नहीं लफज कहता वेश्या है। तुहाडे हुक्म मुताबिक मैं वो ट्रांसलेशन भी पढ़ दिती पर मसला जिहड़ा है ओरिजिनल दा है। ओरिजिनल दे विच इह गुरु साहब दी स्वै बीती या आत्म कथा नहीं है, एक साहित्यक रचना है और उसनूं गुरु दे नाल जोड़ के गुरु दी निंदा करनी जिहड़ी है यह बहुत वड्डी गल है। मैं तो आप खुद इस गल दा बस फिर अगर प्रोफेसर साहब अगर तुसी मनदे हो प्रोफेसर साहब तुसी मनदे हो कि नहीं है सब नाल जोड़िया जाए जी पर एहो चीज मैं तुहाडे कोलों चाहना कि तुसी एक आवाज उठो कि एहो जी किरन ते अश्लील रचना जेड़ा उन्होंने भी अपने नाम नाल क्यों जोड़िया जाता है कि ए उन्हां दी रचना पूरा पढ़े। प्रोफेसर साहब दोबारा गल कहो देखो जदों आपां इह गल करदे कि जिस चीज़ दे नाल गुरु साहब जी दी मतलब शाम दे विच फर्क पैंदा है असी उस चीज़ का उच्चारण ही क्यों करिए चाहे वो लांबा जी हो चाहे तुसी होवो चाहे वो सरदार भावरा जी हो चाहे मैं साहब एक बेनती करा आपां इहनूं खत्म करन लई गल करिए मैं अगर इजाजत दिओ ते कि देखो तुहाडे कहण नाल या इंटरप्रिटेशन नाल इह गुरु दी निंदा हुंदी है। आपां इदां करिए ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਿਆ ਪੌਂਟਾ ਤੋਂ ਕਪਾਲ ਮੋਚਨ ਤੇ ਰਸਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਸਿਰੋਪਾ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਆਖਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬਚਾਓਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਾਮਨ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਗਰਤੀ ਆਵੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲਨ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਵੇ। पैसा एक मैं गुजारिश करनी है तो कि जिस चीज़ के नाल जिस गल के नाल साढ़े गुरु साहबान की निंदा होंदी है अज असी गुरु जी के नाल जेकर किसी वेसवा की गल जोड़ते हैं उस महापुरख नहीं देखो मेरी गल सुनो मैं तो नहीं मैं मेरी गल सुनियो जिन्होंने महापुरखा ने अज तक किसी औरत को हाथ ला के आशीर्वाद ना दिता हो इतिहास बोलता कि गुरु गोबिंद सिंह जी ऐसे हो सकते हैं। इतिहास बोलता कि गुरु गोबिंद सिंह जी तीर दे नाल आशीर्वाद दिंदे रहे ने कदे हाथ नहीं लाया। इतिहास उन्हां तथ्यां नूं बोलदा बलंबा जी ऐसे हो सकते हैं मैं भी तो इहो कहना ऐसे नहीं हो सकते उन्हां दे नाम नाल ये कहानियां क्यों जोड़ियां जा उन्हां दे जिसम नाल फिर दसम लफज वरत के ऐसे ग्रंथ नूं दसम लफज देना सो मैं ये गल चाहांगा पैसा साहब कि अज दी इस सार्थक बहस दे विचों अज दी इस गलबात दे विचों इस गल दा तहैया करिए कि गाहां तो कोई भी इस तरह का जिक्र जिहदे नाल साडे गुरु साहब की शान खराब हुंदी होवे जिहदे नाल साडे धर्म दे विच तरेड़ां पैंदियां होण जिहदे नाल साडे धर्म नूं नुकसान पहुंचदा होवे जिहदे नाल साडा भाईचारा जिहड़ा वो वंडिया जांदा होवे आपां उस चीज़ नूं उस सबजैक्ट नूं टच ही ना करिए। पर मैं इत्थे खड़ा, मैं कहना जिस ग्रंथ, जिस पंथ, जिस व्यक्ति, जिस भी बोलचाल विच श्री गुरु दसम पातशाह जी दे उच्चता ते महान बलवानता दे प्रति शंके पैदा किए गए होण, ऐसे ग्रंथ नूं किसी हालत विच परवाह नहीं ना किया जाए, उसनूं पंथ दे वेले इक बार सुटना चाहिए। क्योंकि जिक्र ही ना करिए जी, जिक्र नाल लोग सुते रहण ते उहनूं मत्थे टेकदे रहण ते अखंड पाठ हुंदे रहण। प्रोफेसर साहब, डॉक्टर जोत सिंह ने, डॉक्टर जग्गी ने या होर किसी ने या दसम ग्रंथ के ओरिजिनल किधरे नहीं किया गया कि ये गुरु गोबिंद सिंह साहब ना बीती कथा है, तुसी उसनू जोड़ के खिच के बनाई बैठे हो। जे मैनू कह दे हो कि गुरु गोबिंद सिंह साहब का नाम क्यों लिया, मैं दसम ग्रंथ बार बार करी जाते हो, जेड़ा तुसी इन्हां लोगों ने आप बनाया लफज है जिस किते है नहीं, सिर्फ लोगों को मुगालता पाने लई। पैसा मेरा ख्याल है कि आपा कटो कट नहीं। ब्रश साहब तुसी ये कह रहे हो उन्होंने, मैं दसम ग्रंथ क्यों कह रहे हैं क्योंकि मैं नहीं कहता, पर जिस तखत दे आप विराजमान रहे उस श्री अकाल तख्त साहब का हुक्म है कि ये श्री दसम ग्रंथ है और श्री दसम ग्रंथ के खिलाफ बोलने वाले लोग शरारती अंसर है, ये हुक्मनामा है। और उहदे च इह वी उन्होंने कहा है कि प्रोफेसर दर्शन सिंह लोगों को गुमराह कर रहे हैं, दुविधा पैदा कर रहे हैं। जे आप हुक्म करो तो वह हुक्मनामे भी अकाल तख्त साहब दे 2 नंबर हुक्मनामा पंजाह किते वेले भी होए। प्रोफेसर साहब असी दा मतलब है असी ये लईए कि तुसीं हुण अकाल तख्त दी अथॉरिटी नूं नहीं मान रहे। उन्होंने अपनी जबान तो अपने हथा लफ्ज लिखे ने कि दूजा प्रकाश नहीं हो सकता, करने वाले मुखालफत क्यों नहीं? प्रोफेसर साहब उसे हुक्मनामे दे नाल लिखे है, अपने हथा की उसे हुक्मनामे में लिखी हुई चीज है कि गद्दी केवल श्री गुरु ग्रंथ साहब को मिली है, दूजा कोई ग्रंथ बराबर प्रकाश नहीं हो सकता। ये गलती मनमत है। फिर क्यों नहीं उस मनमत के अगेंस्ट आवाज उठाते, क्यों नहीं उत्थे पहुंच के उस गल नूं होड़दे बजाय उत्थे जाके आप नमस्कारां करदे। प्रोफेसर साहब ये बड़ा चंगा कीता है, आपां थोड़ी जी बहस नूं दूजे पासे ले जा रहे हैं। मैं जे इजाजत दिओ तो ये जिहड़े हुक्मनामे दा आप जिक्र कर रहे हो, ये अगर आप इजाजत दिओ तो ये दोनों हुक्मनामे पढ़दे हां। नहीं, मैं उसे दी गल कर रहा। ये 2 हुक्मनामे 6 जून 2008 नूं जारी होए श्री अकाल तख्त साहब वालों, जिहदे विच ये दोनों गल्लां कीतियां और उहदे विच ये भी लिखिया है कि प्रोफेसर दर्शन सिंह नितनेम बारे दुविधा पैदा कर रहे हैं, वो इस चीज़ तो गुरेज करन। उहदे विच ये लिखिया श्री दसम ग्रंथ संबंधी खड़ा किया गया विवाद बिल्कुल बेलोड़ा है। सिख पंथ वालों दसम ग्रंथ दियां जिन्हां रचनावां नूं सिख रहत मर्यादा नितनेम अते अमृत संचार लई स्वीकार किया जा चुका है। नहीं, उन्होंने कहा तुसी कीता है और तुहाड़ियां टिप्पणा वो वखरी गल है। इन्होंने फिर अगर तुहाड़े ते ये लाया तुसी दा स्पष्टीकरण देना चाहिए है क्योंकि श्री दसम ग्रंथ के बारे प्रोफेसर साहब मेरा बोल के जागता कि इन्हां चीज़ां दे नहीं उन्होंने लिखिया ना। प्रोफेसर साहब अगर तुहाड़े बारे हुक्मनामा जारी होया तुहानूं इहदा प्रोफेसर पर अकाल तख्त ने अगर आपदे बारे लिखती हुक्मनामा जारी किया तो आपका स्पष्टीकरण देना बनता है ना। मैं जवाब दे चुका, नहीं आया ना, किधरे नहीं आया, पर हुक्मनामा वापस नहीं हो रहा क्योंकि दसम ग्रंथ के खिलाफ बोलन करके भाग सिंह नूं तनखाहिया दिता। नहीं कर रहे असं इन्होंने लिखिया कहने क्यों दसम ग्रंथ गल नहीं। प्रोफेसर देखो गल सुनो, तुसी दसो अखीर दे विच तुसी की अपील करनी चाहुंदे हो, तुहाडे की विचार ने? मेरी विचार यह है कि इस ग्रंथ जिंदे विच सतगुरु प्रति ना वरत के ऐसियां अश्लील गल्लां ते जिहड़ियां धीआं भैणां विच बैठ के असीं कर भी नहीं सकदे, जिंदे कथा नहीं हो सकदी, जिंदा कीर्तन नहीं हो सकदा, सानू इस किस्म दी रचनावां नूं फजूल करके जे किसी ने पढ़नियां भी ने तां अपने लाइब्रेरी च रखण। इहनूं गुरु लफज देना दसम श्री गुरु ग्रंथ साहब आज लिखिया होया, मैं तो साबित कर सकना। कोई नहीं कहता इनू श्री दसम गुरु। मतलब आने वाले समय आने वाले भविष्य असीं एक सार्थक कदम चक सकते हैं कि उस गल का जिस दे नाल साडे गुरु की शान दे विच ते गुरु की आन दे विच फर्क पैंदा होवे, उस तरह का शब्द किसी मंच पर किसी स्टेज पर किसी मीडिया के किसी अखबार के पन्ने के उत्ते ना वरत्या जाए किसी वालों भी। मैं तो कहना ही हो सकता है ये तथ्य खत्म किए जाए, तथ्य नहीं तुम खत्म कर सकते। गल ना होए प्रोफेसर साहब, मैं अखीरली बेनती सिर्फ आप नूं करनी है कि इन्नी लंबी बहस के बाद तुसी सानू दसम ग्रंथ दे विचों ओ तुका नहीं दस सके जिहड़ियां तुसी दो वरतियां। कृपा करके सानू फैक्स कर देना, सानू भेज देना, असीं ओह जरूर दिखावांगे, जरूर छापांगे, जरूर वंडांगे। 21वीं विच पढ़ लो, ओ दाढ़ी फड़ी वाला सारा केस तुसी आप पढ़ लिया है, बाकी पढ़ लै पैसा। हां जी, तुसी तुसी कहो जो कहना चाहुंदे हो, तुसी कहो जी। मैं तो कहना चाहना भी इस ग्रंथ जिंदे विच इन्नी अश्लीलता और इस किस्म की गुरु प्रति अश्रद्धा फैलाउण दा साधन है, सानू इस ग्रंथ नूं ही धुरों निकाल के एक पासे करना चाहिए ताकि मुर्तु गल छिड़े ना। तुसीं कहंदे हो ग्रंथ नूं ना ओहनू तां मथे टेकी होवे, उवें अखंड पाठ होण ते उवें प्रकाश होण, ते पर उहदी गल ना छिड़ो, उहदी गल ना करो, कम विरोध पैदा हुंदा है। इहदा मतलब यह है कि उहदे सब कुछ चंगा है, जे उहदे सब कुछ ठीक है, फिर गल किवें होवे। वैसे साहब तुसीं चाहुंदे कि इस गल का जिक्र जां इस तरह दीयां गल्लां जिहड़ियां कि गुरु की तौहीन करदियां होण, कोई भी जिहड़ियां गल्लां उह छोण दा जिहड़ा है कोई भी मतलब अज कौम दी इस घड़ी दे विच मेरा ख्याल है कि अजिहियां गल्लां करन दा कोई समा नहीं। इस तरह दीयां गल्लां ना कीतीयां जाण, चाहे वह दीवान होण, चाहे वह मंच होवे, चाहे वह अखबारी मीडिया होवे, चाहे वह कोई भी होवे। तुसीं इस गल नूं मंनदे हो? मैं तो इतने खड़ा कि यह गल्लां नहीं होनी चाहिए, पर ही हटन दियां जे इनका तथ्य खत्म किया जाएगा। तुम तथ्य को बिठा के श्री गुरु ग्रंथ साहब के बराबर प्रकाश करके मथे टिकाते हो, तुम कहते गल्लां ना करो। नहीं नहीं, असीं तां तुहानूं दिखाना पड़ेगा, तुहानूं दसना पड़ेगा सरमालियां थले की है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलो जी, कहो प्रोफेसर साहब जो कहना चाहो। बार बार एक गल कह रहे हो, लोगों च गल ना जाए, तुसीं यह नहीं सोचया कि वह चीज़ साडे वेले चों निकले। होर की कहना चाहोगे तुसीं? बस मैं कहता जो कुछ। हाँ जी लांबा जी, तुसी कोई कहना चाहोगे? मैं कुछ भी नहीं कहना, मैं कहना सिर्फ जो श्री अकाल तख्त साहब के हुक्मनामे है वो साढ़े ते सारे ते, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। जो उन्होंने कहा है वो सिर मत्थे। सो मानमते पंजाबियों की कचहरी के दस दिए। प्रश साहब तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद, तुसी अपने कीमती समय दे विच कढ के साडे दर्शकों के रूबरू होए। असीं उम्मीद करांगे कि जिहड़ा मार्च मिड दा भी तुसी टाइम लिया के स्टूडियो च भी आओगे, सानूं उम्मीद रहेगी कि तुसी जरूर आओगे। सो तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह, वाहिगुरू जी की फतेह। सो मानमते पंजाबियों की कचहरी दे विच गल दसदी है कि असीं इस चैप्टर नूं क्लैरीफाई करके गलबात करके इस चैप्टर नूं जरूर बंद करना चाहुंदे सां, और अज ये सारियां दे सहयोग दे नाल जिहड़ा है ये चाहे वो कुछ प्रस दर्शन सिंह होरां दे हमायती साडे वीर सज्जन वो भी साडे विचकार ने, और चाहे विद्वता वाली गल जिहड़ी है वो सारे विद्वानां ने कीती, जिन्हां दे विच लांबा जी सी, और एक सबजैक्ट जिहड़ा सी विचों रह गया कि असीं जस पंजाबी जिहड़ा साडे उत्ते अनअसैसरी एक गल जिहड़ी कही गई, एक खबर जो मीडिया का फर्ज बनता है खबर नूं उभारना, खबर नूं लिआउणा, सच्चाई नूं अगे लिआउणा, पर उस तो अगे जाके भी जस पंजाबी टैलीविज़न जिसने हमेशा पंजाबीयत की सेवा की, जस पंजाबी टैलीविज़न जिसने अपने रिड़न के दिनों के माड़े दिनों के भी इस चीज़ नूं एक एक तिल तिल दे नाल ग्रो अप कीता, कदे तांत्रिकां दे नाल समझौता नहीं कीता, कदे बाबियां दे नाल समझौता नहीं कीता, कदे डेरावाद दे नाल समझौता नहीं कीता, और कदे भी किसी निगूनी चीज़ दे नाल समझौता नहीं कीता, लालचां दे नाल समझौता नहीं कीता। कौम नूं सार्थक सेध देण वास्ते किहड़ा वड्डा प्लेटफार्म उसारिया, दे उत्ते कुछ शरारती अंसरां वालों ये भी इल्ज़ाम लाए गए कि ये RSS दा है, इत्थे बोलण वाले RSS दे हन। सो इस विषय नूं जिथे कि अज समा ही बड़ा घट सी, मैं भंवरा जी होरां नूं नाल बिठा लिया सी, पर मैनूं ऐ लगदा कि सुच्चे मूँह वाली गल हैगी है, पर असीं इस विषय नूं विशेष तौर दे उत्ते डिस्कस करांगे। पर दो बोल अखीर दे विच मैं भंवरा जी नूं कहांगा कि साध संगत नूं फतेह बुलाउण लई और धन्नवाद करन वास्ते जरूर। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साडे प्यारे दर्शको, अज इस विषय ते प्रोफैसर होरां कोलों असीं उन्हां दे जो उन्होंने कथा की उसते बयान लैन की कोशिश की भी दसो लिखा है, पर वो इस गल ते नहीं मन्ने भी गुरु ग्रंथ दसम ग्रंथ च नहीं, पर प्रोफैसर की किताब च है, वो भी ट्रांसलेशन पढ़ के दसी गई, उन्होंने भी ये गल नहीं लिखी। पर इस गल का कोई खास मैं नहीं समझदा कोई नतीजा निकलिया, पर जिहड़ी गल का इल्ज़ाम सानू अखबारां चलाया गया भी मैं भी RSS का बंदा, लांबा साहब भी RSS दे ने, ते मंच भी सारा RSS दा है। ये मैंने तो आप नहीं पता भी आर एस एस के इल्ज़ाम साढ़े ते किवें लग रहे हैं। पहला लांबा साहब आर एस एस ते एक पूरा 1 घंटा गल की भी आर एस एस की है, और अगर साढ़े दर्शक चाहते हैं भी आर एस एस बारे दसिया जाए, मैं बेनती कराँगा फिर अगले किसी सैशन आर एस एस की गल समझाई जाए, ताकि पहला सरकारी कहते होंगे लोगों